जबलपुर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव पटेल के इकलौते बेटे अतुल पटेल और उसके दोस्त की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई है। घटना करीब 10:30 बजे तिलवारा थाना अंतर्गत दत्ता घाट की है, जहां बीजेपी नेता का 24 वर्षीय बेटा अतुल पटेल अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ नर्मदा नदी के दत्ता घाट में नहाने गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक सभी दोस्त नहा रहे थे। अतुल के दोस्त सत्यम को तैरना नहीं आता था। नहाने के दौरान अचानक अतुल पटेल का दोस्त सत्यम नदी में बहने लगा, जिसे अतुल ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण अतुल भी नर्मदा नदी में समा गया, जिससे उसकी नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद अन्य दोस्तों ने तिलवारा पुलिस और गोताखोरों को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे के रेस्क्यू के बाद दोनों के सबको बाहर निकाल लिया और सबको पीएम के लिए भेज दिया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष शिव पटेल के बेटे अतुल पटेल और उसके दोस्त के मौत पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई सहित पर्यटन निगम अध्यक्ष विनोद गोटिया ने खेद जताया है। वहीं पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने आज के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। सत्यम नाम का लड़का था, उसको तैरना नहीं आता था और नदी के प्रवाह में बहने लगा, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जो बच्चे हैं 3 बच्चे उनने। चूंकि अतुल को तैरना आता था, ये उसको बचाने गया था, पर जैसा होता है अक्सर कि बचाने में जो डूबने वाला होता है वो पकड़ लेता है, और वही हुआ वहां, और दोनों बच्चे पानी में समा गए।